काशी हिंदू विश्वविद्यालय वैदिक विज्ञान केंद्र भारतीय ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत वेद हैं। ये हमारे ऋषियों के अपरोक्ष ज्ञान का संग्रह है। इसके माध्यम से पूरे जीव जगत का आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक अभ्युदय प्रशस्त होता रहा है। इधर विगत 700-800 वर्षों से इस ज्ञान की परंपरा कुछ विचिन्न सी हुई है। आधुनिक विज्ञान के आविष्कारों से भौतिक सुख सुविधाएं मिली हैं, लेकिन इन विज्ञान जन्य आविष्कारों ने प्रकृति को पूरी तरह असंतुलित किया है, जिससे पूरे जीव जगत के सामने एक भयानक खतरा भी दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे प्राचीन वैदिक ऋषियों द्वारा प्राप्त ज्ञान विज्ञान, जो आध्यात्मिक एवं भौतिक दृष्टि से पूर्णतः संतुलित एवं समृद्ध था, इस भयावह स्थिति से उबरने में ये केंद्र एक सशक्त माध्यम हो सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की आवश्यकता है। इसके माध्यम से वैदिक ज्ञान जो उपेक्षित सा हो गया है, उसका अनुशीलन, प्रचार प्रसार तथा वैज्ञानिक आविष्कारों में सार्थक प्रयोग करते हुए जीव जगत को समुन्नत बनाने का एक सतत प्रयास है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत इस केंद्र का प्रथम उद्देश्य है इस परंपरा का रक्षण, व्यवस्थित शिक्षण, अनुसंधान तथा प्रकाशन द्वारा संवर्धन, प्रचार एवं प्रसार करना। वेद और वेदांग के रूप में प्राप्त विपुल वांग्मय मुख्यतः मौखिक परंपरा में सुरक्षित है, लिखित रूप में भी हमें विपुल संपदा प्राप्त है। ये केंद्र नई पीढ़ी के विद्वानों द्वारा उस परंपरा की प्राप्त चारों वेदों की समस्त उपलब्ध शाखाओं का संरक्षण करने के साथ पाश्चात एवं पारंपरिक व्याख्या के अनुशीलन के द्वारा वेद की समुचित व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेगा। वेदो खिलो धर्म मूलम वेदात सर्वम प्रसिद्धति सर्व ज्ञान मयो हिषः। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी की मूल अवधारणा इस विश्वविद्यालय को स्थापना के प्रति रही प्रतीचि एवं प्राची का मेल, जिसमें प्राच्य वैदिक वांग्मय एवं आधुनिक विज्ञान दोनों का समन्वय के साथ इस नए भारत के निर्माण की परिकल्पना उनके चिंतन में थी। इसी परिकल्पना को ध्येय में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उसकी आधारशिला रखी गई। वैदिक विज्ञान केंद्र आधुनिक एवं प्राचीन भारत के मध्य अंतर कारणों की समीक्षा करने के साथ साथ अपने अतीत के भव्य ज्ञान भंडार को पुनः प्रतिष्ठित करने और अपने पारंपरिक ज्ञान की दिशा में प्रयत्न करेगा। प्राचीन वैदिक ज्ञान के अंतर विषयक अध्ययन एवं अनुसंधान के द्वारा हम अपने राष्ट्रीय गौरव को, अपनी लुप्त ज्ञान संपदा को पुनः प्राप्त कर संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए गौरवशाली ज्ञान परंपरा का प्रयोग कर सकते हैं। इस केंद्र का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। प्रस्तावित वैदिक विज्ञान केंद्र अपने 7 विभागों द्वारा समस्त प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़कर आधुनिक समाज तथा ज्ञान विज्ञान के अनुशीलन हेतु मानव संसाधन को प्रस्तुत करने की दिशा में कार्य करेगा। ये विभाग हैं
वैदिक साहित्य अनुष्ठान एवं चित्त अर्थात चेतना शक्ति विज्ञान प्रभाव वैदिक भाषा विज्ञान ध्वनि विज्ञान एवं शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र प्रभाव वैदिक आयुर्विज्ञान मनोविज्ञान एवं योग विज्ञान प्रभाव वैदिक गणित खगोल एवं पदार्थ विज्ञान प्रभाग वैदिक कृषि पर्यावरण विज्ञान एवं प्रबंध शास्त्र प्रभाग वैदिक स्थापत्य एवं अभियांत्रिकी प्रभाग संपादन अनुवाद एवं प्रकाशन प्रभाग वैदिक विज्ञान केंद्र के अंतर्गत वैदिक न्यूरोलॉजिकल लैब वैदिक वेदशाला केंद्रीयकृत प्रयोगशालाएं दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला बृहद डिजिटल लाइब्रेरी नक्षत्र वाटिका वैदिक संग्रहालय श्रोत एवं स्मार्ट यज्ञशाला आदि स्थापित किया जाना है। वेद विश्व के प्रामाणिक प्राचीनतम एवं वैज्ञानिक ग्रंथ हैं। सृष्टि और जीवन से संबंधित जो भी रहस्य है वह इनमें प्रतिपादित हुआ है, वर्णित हुआ है। आधुनिक विज्ञान जहां पूरी सृष्टि और जीवन के मूल में मैटर और एनर्जी के रूप में दो तत्वों को बतलाता है, वहीं आधुनिक विज्ञान इन दो तत्वों के साथ चेतना शक्ति को भी बतलाता है, जिसे हम साइंस ऑफ कॉन्शसनेस के रूप में जानते हैं। और इस प्रकार से यह चेतना शक्ति का विज्ञान जो भी विश्व में कार्य हो रहा है आधुनिक विज्ञान के माध्यम से, उसके जो साइड इफेक्ट हैं उनको नहीं होने देता। यही इस वैदिक विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हम आधुनिक विज्ञान के जो भी क्षेत्र हैं, चिकित्सा के, कृषि आदि के, उनको हम साथ लेकर उनमें जो साइड इफेक्ट है वो ना हो, इसके लिए इस वैदिक विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रयास करेंगे और उसमें सफलता अर्जित करेंगे। इस वैदिक विज्ञान केंद्र का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।